फ्यूचर इंडेफिनिट पे आते हैं, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट दैट इज टू टेक प्लेस, दैट इज टेक प्लेस इन फ्यूचर. ये वो टेंस है जो उन एक्शंस के बारे में बात करता है जिन्होंने फ्यूचर में होना, जो भी काम फ्यूचर में होगा. वेरी सून आई विल टीच यू एसे राइटिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेरी सून, बहुत जल्द वो लेक्चर बस आने वाला है. जब आया चाहता है आपका, जिसका इंतजार था, 100 मार्क्स का पेपर होता है सिर्फ उसके अंदर, और हमारा एक नहीं उस पर भी कुछ ज्यादा लेक्चर्स होंगे. और चूंकि आजकल आप लोग मुझे असाइनमेंट भेज रहे हैं, देन मैं आप लोगों से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे राइटिंग की तरफ जाऊंगा और आपसे मुझे एसेज भेजा करेंगे. परेशान करता हूँ, 25-25 पेजेस का मैंने आपसे ऐसे लिखवा लिया करना है, और वो आप मुझे 25 पेजेस भेजा करेंगे स्कैन करके. मैं लेकिन आपको प्रेफर करूंगा क्या, मुझे वो पीडीएफ फाइल बना के भेजे, पिक्चर्स की पीडीएफ फाइल बनाना भी आपको सिखा देंगे. वो बड़ी आसानी से 25 के 25 इमेजेस इकट्ठे करके आप वो 25, 26, 27 मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ लिखते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली में 25 बोल जाते होते हैं ऐसे रेडिंग में. तो ये टेंस यूज किया जाता है जी, वो एक्शन जो फ्यूचर में जाकर होने. उर्दू पहचान गा गे घी, वो जाएगा, वो खेलेगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, तो जो काम फ्यूचर में होने, फ्यूचर इंडेफिनिट. आइए आगे बढ़ते. तो देखिए, आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो हमारा ये जो विल शैल है, ये वाला जो विल शैल है, और फर्स्ट फॉर्म ये हमारा वर्ब है, इसका बस वर्ब हमारा ध्यान है. नेगेटिव करना है तो विल शैल के बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म लगा दे, इंट्रोगेटिव करना है तो विल शैल सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दे. आई विल टीच यू टुमारो, वैसे शैल लगाते लेकिन आई कर विल मैंने कहा था, हर चीज को रिप्लेस कर गया. नेगेटिव है तो आई शैल नॉट टीच यू टुमारो, शैल आई टीच यू टुमारो या विल आई टीच यू टुमारो, वही हेल्पिंग वर्ब पहला बाहर चला. इसके कीवर्ड्स पे गौर करते हैं कि जब जुमले में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, टुनाइट, टुनाइट मतलब आई विल टेक डिनर विद माई फ्रेंड्स टुनाइट, कि आज रात में अपने दोस्तों के साथ डिनर करूंगा, मतलब ये काम होना है. Tonight कई टेंसेस में आ सकता है, tonight सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं है, ठीक है जी. इन अ फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिनों में, he will come here in a few days, अभी होना है ना काम. इन का मतलब आने वाला वक्त, हम इन यूजली आने वाले वक्त के लिए यूज करते हैं. कमिंग इवेंट, सून, सून का वर्ड भी जो होने वाला है. आई शेल गो टू कॉलेज इन अ वीक, एक वीक में मैं कॉलेज जाऊंगा. पाकिस्तान में कॉलेजेस खुलने वाले हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जी. आई शेल गो टू कॉलेज इन अ वीक. तो आगे मूव करते हैं. माय फ्रेंड्स डैश टू मीट मी टुमारो, क्या लगाएंगे, टुमारो आ गया. कम, हैव कम, हैड कम, विल कम. अब माइक ऑन करके बेशक बोल दिया करें. स्टूडेंट्स में देख रहा हूं कि माइक अक्सर नहीं ऑन कर रहे आज. विल कम, डी, यस डी इज राइट आंसर. आप डायरेक्ट अपना माइक ऑन कर देख रहे, क्या आप लोग अपना माइक ऑन कर नहीं पा रहे, क्या इशू है? ऑल दो ये अलाउड एवरीवन, तलाल का तो माइक ऑन भी है इस वक्त. नहीं, तलाल का वीडियो ऑन है, माइक ऑफ ही है. तो अगर आप अपनी माइक ऑन करना चाहते हैं, यू आर वार्मली वेलकम. सुजान का माइक ऑन है तो आप मुझे आंसर दे दिया करें, बेशक, नो इशू. अच्छा, ये तो आ गया हमारा, माय फ्रेंड्स विल कम टू मीट मी टुमारो. एवरीथिंग डैश थ्रू कंप्यूटर्स इन फ्यूचर, विल वर्क, इज वर्किंग, वर्क्स, हैज वर्क्ड, बोले स्टूडेंट्स. विल वर्क, दैट्स रियली गुड. एवरीथिंग विल वर्क थ्रू कंप्यूटर्स इन फ्यूचर, कंप्यूटर्स के थ्रू काम करेगी हर चीज. कोई फ्यूचर प्लान नहीं हमने बना रखा कि इज वर्किंग कर पाए, लेकिन हमें अंदाजा है, डाउट है, शक है, ख्याल है, सोच है, पर हमें पता है कि अगर कंप्यूटर सारा कुछ करेंगे तो इंसान तो बेरोजगार हो जाएंगे. तो वी हैव नॉट प्लान्ड दैट थिंग, बेसिकली इट्स अवर थिंकिंग. और अच्छा, अगर इज वर्किंग आ सकता होता तो आप जुमले में फिट करके देखें, आपको जुमला बनेगा नहीं. मुस्तकबिल में हर चीज कंप्यूटर्स के जरिए काम कर रही है, नहीं, कंप्यूटर के जरिए काम करेगी, आपको ट्रांसलेट करके भी मीनिंग नहीं अच्छा लगा. तो विल वर्क, ही डैश हियर सून, वाज, इज, क्या लगाएंगे? ही विल बी हियर सून, ही विल बी हियर सून, रियली गुड हमना. तो देखिए, विल बी हियर सून में हमने क्यों लगाया जी, कि विल शैल के साथ बी आ रहा होता है, बी,
विल बी हेयर सून. हमें बी जो है यस बी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. मैंने बोला बी इज ए मार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ही विल बी हेयर सून. विल बी फर्स्ट फॉर्म आ गई है. विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी थी हमने लगा दी. विल बी बी फर्स्ट फॉर्म है जी. बीन थर्ड फॉर्म है. जैसे जब बीन को हम थर्ड फॉर्म के तौर पर ले रहे हैं तो बी को फर्स्ट फॉर्म के तौर पर ले रहे होंगे. ओके जी. अच्छे मौसम भी आएंगे. अच्छे मौसम भी आएंगे जी बच्चों. पार्टिसिपेंट्स कहना चाहिए दैट वुड बी बेटर. हाँ जी अच्छा. स्टूडेंट्स टाइप करके भेज रहे हैं. देयर विल बी गुड वेदर. ठीक है. गुड सीजन्स विल बी कम. अच्छा विल बी कम नहीं करना फिर आपने ना. बी हमने तब लगाया था जब हमारे पास कोई और वर्ब नहीं था. अब जब यहाँ कम आ गया तो बी नहीं लगाना. जुमला आपने ये पैसिवाइज कर दिया है. पैसिवाइज सिखाएंगे आपको. आई विल प्ले क्रिकेट. क्रिकेट विल बी प्लेड. तो आपने वो विल बी अगर कोई वर्ब पहले से मौजूद है तो नहीं लगा पाएंगे. कम आ गया तो चलो गुड सीजन्स विल कम. गुड वेदर्स विल कम. गुड सीजन एंड वेदर में क्या डिफरेंस है ये भी अभी आ जाता है. हमने आपको बताता हूँ. गुड मॉनसून विल कम सून. अब मॉनसून याद रखिएगा. मॉनसून इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वेदर के जब बारिशें होती हैं हमारे ये इंडिया पाकिस्तान के रीजन्स में. ये बारिशों का हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का सीजन आता है तो दैट इज कॉल्ड मॉनसून. इससे पहले आ जाए तो वो प्री मॉनसून कहलाता है. तो वो वेदर नहीं है. अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर कर दूं. एक अच्छे मौसम भी आएंगे. ये यूजली इस जुमले का मीनिंग ये नहीं होता. इसका मतलब अच्छा वक्त भी आएगा. देखिए आप अगर तो आपको पेपर में सबसे अच्छी चीज है कि आपको पेपर में पैराग्राफ आता है. पैराग्राफ से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये वेदर की बात हो रही है कि टाइम की बात हो रही है. यूजली हम इसको मुहावरा तन भी बात करते हैं कि भी अच्छे मौसम भी आएंगे मतलब जिंदगी के आगे अच्छे वक्त भी आएंगे. तो गुड टाइम विल कम ज्यादा अच्छी ट्रांसलेशन है. देयर विल बी गुड टाइम. अच्छा देयर विल बी गुड टाइम बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने आगे वर्ब कम लगाया नहीं. जब मैंने कम नहीं लगाया तो बी लगा लिया और जब कम लगाया तो बी फिर नहीं लगाना. गुड टाइम्स या गुड टाइम्स भी कह सकते हैं. अच्छे मौसम. अच्छा मौसम नहीं है. अच्छे मौसम इट्स प्लूरल. अच्छा मौसम सिंगुलर. तो गुड टाइम्स विल कम. अच्छे मौसम भी आएंगे. अच्छा अगर हो सकता है पैराग्राफ एक चल रहा है उस पैराग्राफ में मौसम वेदर ही हो तो गुड वेदर्स विल कम भी आप उस सेंस में लगा सकते हैं. लेकिन यूजली हम अच्छे मौसम या उसके लिए यूज करते हैं जब आने का यूज करते हैं कि अभी आएंगे तो वो यूजली टाइम होता है. अच्छा सीजन और वेदर में क्या फर्क है. सीजन आपके याद रखिएगा स्प्रिंग विंटर ठीक है और क्या नाम लेते हैं ये समर रेनी सीजन. ये सीजन है रेनी सीजन जैसे हम कहते हैं मौसम बरसात. ये जो वेदर होता है ना वेदर वेदर एक वक्त का होता है. मतलब आज एक दिन का हो सकता है कि आज सनी है आज क्लाउडी है आज रेनी है. तो वो वेदर कंडीशंस है. आप जब वेदर अपडेट देखते हैं देखो वो कभी सीजन अपडेट नहीं होती. वो हमेशा वेदर अपडेट होती है. तो वेदर अपडेट देखते हैं एक्यू वेदर से या किसी भी और वेबसाइट से तो वो आप उस दिन का मौसम या कभी मंडे का देख रहे हैं फिर ट्यूजडे का वेदर फिर वेंसडे का वेदर वो एक दिन का होता है. एक वर्ड होता है क्लाइमेट. क्लाइमेट किसी भी मुल्क की एक तरह की फिक्स होती है. वो हर मुल्क की डिफरेंट है. पाकिस्तान इंडिया वगैरह की जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है जिसको उर्दू में गर्म मरतूब कहते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड तो थोड़ी सी गर्म मरतूब टाइप की है. ह्यूमिडिटी बहुत होती है और हॉटनेस रहती है. सर्दियां तो बहुत थोड़े वक्त के लिए आती है. हॉट एंड ह्यूमिड ये मजमुई होती है एवरेज. इंग्लैंड चले जाएं तो आपको कोल्ड मिलेगी. अभी इन दिनों इस वक्त इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की चल रही है पाकिस्तान इंग्लैंड की चल रही थी तो वो स्वेटर्स पहन के खेल रहे थे. स्वेटर्स पहन के इन दिनों जब हम जो है अपनी शर्ट के अंदर पसीना पसीनी बैठे हैं वो स्वेटर्स पहन के खेल रहे थे. चलें जी आगे बढ़ते हैं हम. स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पे आगे हम मींस जो फ्यूचर में जारी होगा
जो फ्यूचर में काम जारी रहेगा, दैट वुड बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. ये उन टेंसेस के लिए यूज किया जाता है. लेट मी एक्सप्लेन इट. दैट विल बी इन प्रोग्रेस. इन प्रोग्रेस मीन्स दैट विल बी कॉन्टिन्यूइंग विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. मुस्तकबिल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो एक्शन जारी होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा. मतलब कल इस वक्त मैं आप लोगों को जो है टेंसेस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. उसके बाद एक बहुत बड़ा लेक्चर आ रहा है, दैट वुड बी एसे राइटिंग का जी, जो कि आपको पता है 100 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर आता है और उस पर हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे. देन आप लोगों से अभी तो मैं असाइनमेंट लिखवा रहा हूँ और कल तक की असाइनमेंट्स मैंने जो परसों तक की वापस कर चुका हूँ चेक करके. कल वाली और आज वाली मैं आज उनको दोनों को देखूंगा बैठ के. तो दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन प्रोग्रेस इन द पॉइंट. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस और डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट्स. एक चीज आइडिया हो गया कि फ्यूचर इनडेफिनेट के लिए भी ये टेंस यूज किया जा सकता है या डेफिनेट फ्यूचर एक्शन के लिए. मतलब जहां मैं फ्यूचर इनडेफिनेट यूज कर सकता हूँ एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस आई मे यूज दैट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. मैं दोनों टेंसेस साइमल्टेनियसली यूज कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है मुझे. चलिए तो उर्दू पहचान पे आ जाते. रहा होगा, रही होगी, रहे होगी. मजीद आपको एक्सप्लेन मेरी बातें जो भी मैंने की हैं अभी थोड़ी देर में होना शुरू हो जाएगी. लें जी, पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह बढ़ गए काफी. तो देयर इज अ क्वेश्चन, आई थिंक लेट मी टेक दैट क्वेश्चन जी. सॉरी सर फॉर लेट. नो इशू जी, नो इशू. वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन हु हैज सेड अस्सलाम वालेकुम. चलें जी माशाल्लाह. तो स्ट्रक्चर पर आते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. विल शैल बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी असल में हमारा काम है, हमें किसी और चीज से लेने की जरूरत नहीं. वालेकुम सलाम रुस्तम. सब्जेक्ट और नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद नॉट. हमने पढ़ा है कि जब हमने नेगेटिव करना है तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देना. पहला हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, बी को नहीं हमने देखना, हमने नॉट लगा दिया. विल शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. और इंट्रोगेटिव करना है तो आप विल शैल को जुमले के शुरू में लेकर आएंगे. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी. एग्जांपल मैं अगर दूं, आई विल बी टीचिंग यू पीपल सम प्रैक्टिस टुमारो. आई विल नॉट बी टीचिंग यू पीपल सम प्रैक्टिस टुमारो. विल आई बी टीचिंग यू पीपल सम प्रैक्टिस टुमारो. और आई के साथ ओल्ड हम शैल लगाते हैं, लेकिन शैल मैंने बोला था बहुत कम हो गया जी. विल शैल के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बी क्यों यूज होता है, सवाल आया है जी. देखें, एक चीज डन है कि विल शैल के बाद में आई एन जी फॉर्म नहीं लगा सकता और तमाम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आई एन जी फॉर्म आना जरूरी है. जैसे आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, सारे टेंसेस में जो फ्यूचर के हों कॉन्टिन्यूस के हों हम लाजम लगाते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर. इवन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने देखा आई एन जी फॉर्म थी. वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, और इवन हमने कल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी एक नजर मारी. तो आई एन जी फॉर्म अब विल शैल के बाद तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि विल शैल के बाद तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है. मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी रॉ हालत में, कोई एस ई एस का इजाफा नहीं, कोई आई एन जी नहीं. ही विल प्ले, बेयर इन्फिनिटिव याद रखिएगा, वर्ब की बेयर फॉर्म होती है. इसके साथ हम बात करेंगे बेयर इन्फिनिटिव पर काफी सारी, जो बिल्कुल नंगी है. मतलब इसके साथ हम कोई एस ई एस ई डी आई एन जी कुछ नहीं लगा सकते. वो बेयर इन्फिनिटिव, वो वर्ब की फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव. तो ही विल बी स्लीपिंग, मैं कभी नहीं कह सकता ही विल स्लीपिंग. अब हमें स्लीपिंग लगाना था लेकिन विल शैल के साथ लगा नहीं पाए, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है. तो रास्ता निकला बी के जरिए. बी के बाद आई एन जी फॉर्म आ सकती है. लफज जो बी है ना, बी, इसके बाद आपकी पूरी इंग्लिश में दो तरह के वर्ब्स हैं. या तो आई एन जी फॉर्म जो कि सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, आई विल बी टीचिंग, या पूरी इंग्लिश में लफज जो बी है आपका, ये बेस फॉर्म जो है बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है.
बी के बाद इसके अलावा एज अ वर्ब कोई और वर्ब नहीं आता, कोई फर्स्ट फॉर्म कोई सेकंड फॉर्म नहीं आता, या आईएनजी फॉर्म जो कि सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सिर्फ, और बाकी पूरी इंग्लिश में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी की लगाने की ये वजह है माय डियर, आपने क्वेश्चन पूछा तो टुमारो आ जाए तो हमें पता। अच्छा टुमारो तो आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट का भी था, तो यस यही तो बात की हमने कि जहां जहां फ्यूचर इंडेफिनेट आ सकता है वहां वहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। नेक्स्ट डे वीक मंथ ईयर टू नाइट इन अ फ्यू डेज इन अ वीक इन अ मंथ इन अ ईयर कमिंग इवेंट ही विल कम हियर टुमारो ही विल बी कमिंग हियर टुमारो बोथ आर करेक्ट। लेट अस गो फॉर द एग्जांपल, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। पाकिस्तान इस वक्त एट दिस टाइम, देखो एक पर्टिकुलर मोमेंट आ गया जिस वक्त वो काम जारी था। इस वक्त पाकिस्तान कल खेल रहा होगा, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। तो फ्यूचर के किसी खास पॉइंट पर जो काम जारी होगा दैट वुड बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमने इवन यहां तक भी पढ़ लिया कि अगर वो एक्शन फ्यूचर में मखसूस है तो हम कॉन्टिन्यूस की इंडेफिनिट की जगह भी कॉन्टिन्यूस आएंगे, जैसे He will come tomorrow, he will be coming tomorrow, both are correct, no issues. तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाते हैं जी। आगे बढ़ते हैं जी हम। तो ये जो फिल करें जी, लेबरर्स क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन भी लेता हूं, आप लोग फिल भी करें। सर विल शेल के बाद बी क्यों आता है, ये तो हो गया सर। एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है। चले मैं एसन आपको अभी आंसर देता हूं इसका। एसन कहीं आप मुझसे कभी पढ़े तो नहीं हुए, सिर्फ मुझे ये बता दें। आप वो बातें करते हैं कई बार जो मुझे लगता है जैसे मैंने अपने किसी स्टूडेंट को समझाई है, कहीं ना कहीं बताई है। तो लेबरर्स डैश इन दिस फैक्ट्री इन द नेक्स्ट मंथ। देखे स्टूडेंट्स, अगले माह ये काम फैक्ट्री में होगा, हो रहा होगा, दोनों करेक्ट। विल वर्क भी करेक्ट है, विल बी वर्किंग भी करेक्ट है। ऐसा ना आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। क्या आप मुझसे पढ़े हैं किसी लेवल पर टेंसेस वगैरह आपने पहले, या कोई भी और? आप एमडी कैट में पढ़ रहे हैं, वहां भी हमने टेंसेस किए थे। ठीक 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 ओके यस, आ गया याद है सर। इट इज लेट एट नाइट एंड ही डैश, आपने अब यहां फिल करना है, मैं इसको बंद कर देता हूं। ही विल ही डैश नाउ, तो ऐसा ना आपके क्वेश्चन का आंसर आने लगा है। एट द मोमेंट के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ सकता है कि नहीं। इट इज लेट एट नाइट एंड ही डैश नाउ, ही विल स्लीप नाउ, ही विल बी स्लीपिंग नाउ, दोनों ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसके साथ आप जाना चाहेंगे? डी, एंड यस इट इज डी। देखिए विल स्लीप के साथ क्यों नहीं गए आप? अब आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनेट का जो लाइट सा डिफरेंस है वो समझ आना शुरू होगा, वो समझाया जाएगा। हम कह रहे हैं काफी ताखीर हो गई है रात की, बहुत लेट हो गई है, मतलब ना अब बहुत ताखीर हो गई है, अब तो वो सो रहा हो। हम गेस कर रहे हैं उसके बारे, अंदाजा लगा रहे हैं कि इस वक्त नाओ, नाओ का मतलब काम जारी है, ये काम इस वक्त तुम इस वक्त सो रहा हो। विल बी स्लीपिंग वुड बी मच प्रेफरेबल, ना होता ना विल बी स्लीपिंग तो विल स्लीप किसी ना किसी तरीके से हम कबूल कर भी लेते कि अब वो सोएगा, लेकिन विल बी स्लीपिंग इज प्रेफरेबल। ऐसे ना आपके क्वेश्चन पे आता, एट दिस मोमेंट के साथ जो कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज किया था कि आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, आई विल बी टीचिंग एट दिस मोमेंट हो सकता है कि नहीं? आई विल बी टीचिंग एट दिस मोमेंट तो नहीं हो सकता, ही विल बी टीचिंग एट दिस मोमेंट हो सकता है। कैसे? जब मैं कहूंगा ही विल बी टीचिंग एट दिस मोमेंट तो मैं श्योरिटी से नहीं कह रहा, मैं डाउट दे रहा हूं। वो प्रेजेंट के एक्शंस जिनमें हल्का सा डाउट हो वो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। अगर श्योरिटी हो तो आप कहेंगे ही इज टीचिंग एट दिस मोमेंट, ही इज टीचिंग, वो इस वक्त पढ़ा रहा है, मुझे श्योर है कि इस वक्त वो क्या कर रहा है, पता है, कंफर्म्ड है। मुझे श्योर नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं आई थिंक, जब मैं आई थिंक लगा गया आई थिंक तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक ही इज टीचिंग एट द मोमेंट, मेरा ख्याल है, तो मुझे श्योरिटी नहीं रही,
तो मैं ये कहूंगा ही विल बी टीचिंग एट दिस मोमेंट, मेरा ख्याल है इसके अंदर वो पढ़ा रहा होगा, आई एम जस्ट गैसिंग इट। तो अगर आप गेस कर रहे हो ना प्रेजेंट का एक्शन, गेस कर रहे हैं कि ये एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है नहीं हो रहा, आप डाउट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इवन प्रेजेंट के एक्शन के लिए भी लगा सकते हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, तो दैट वुड बी रियली गुड। तो बी लगाया जी मोहम्मद फहीम ने, फहमद फहीम बी आ सकता है, लेकिन अभी हमने काफी बात की कि विल बी स्लीपिंग परफेक्ट रहेगा, रीजन के क्योंकि हम नाउ की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त की कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है, और वैसे जुमले का शुरू भी बता रहा है, हम कह रहे हैं काफी ना तखीर हो गई है, मतलब मैं किसी को फोन करने लगा हूं तो मुझे कोई कह रहा है भाई काफी लेट हो गई है, वो सो रहा होगा, रहने दो, ये आपकी याद रखिएगा बात हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विल स्लीप गलत नहीं मैं कर रहा, ऑल टुगेदर याद रखिएगा, आई एम जस्ट प्रेफरिंग अ डी। आई होप दैट ऑल टीम्स डैश पाकिस्तान इन फ्यूचर, अच्छा आई होप आ गया, आना तो फ्यूचर है, जब होप करते हैं तो काम अभी होना होता है, तो क्या आंसर आ रहा है जी स्टूडेंट्स, जल्दी से शाबाश, ए यस विल बी विजिटिंग, विल बी विजिटिंग। फहीम ने कहा है पिछले वाले में अगर सिर्फ इट वॉज हो, नहीं वॉज क्यों लगाएंगे हम, वॉज का नहीं आ रहा, इट विल स्लीप होता अकेला तो हम ले लेते, वो डन था, वॉज नहीं आएगा पिछले वाले में, याद रखिए, तो ही विल बी विजिटिंग के नए जो टीम्स हैं पाकिस्तान विजिट कर रही होंगी सारी की सारी, ये मेरी चूंकि उम्मीद है तो फ्यूचर ही लगाएंगे, और फ्यूचर ऑप्शन में है ही किसी एक में सिर्फ, नहीं जी ट्रांसलेशन का वर्क करवाते हैं आप लोगों से, तो जल्दी से यहाँ ट्रांसलेशन कीजिएगा, वो कल इस वक्त लेक्चर दे रहा होगा जी, यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स, यू हैव दैट अथॉरिटी एंड यू कैन इवन राइट एन आंसर व्हाटएवर यू लाइक, वो कल इस वक्त लेक्चर दे रहा होगा। जी जी बोलना चाह रहे हैं आप, he will be giving lecture this time by tomorrow, he will be giving lecture, चले giving कबूल कर लेते हैं, आपने structure ठीक लगाई है, will be ing verb, lecture deliver होता है, he will be delivering lecture, अक्सर हम क्योंकि वो sorry जी, sorry sir, no issue, असल में हमारा translation का एक बहुत बड़ा issue, और ये issue वक्त के साथ आ रहे हम ठीक करेंगे, कल हम अपनी practice tenses की कर रहे होंगे, आपका बहुत अहम क्वेश्चन 10 मार्क्स का जो कंपोजिशन का है वो सॉल्व कर रहे होंगे कि जब हम ट्रांसलेशन वर्क करते हैं तो किस तरह हमने मफहूम लेना है, वर्ड्स नहीं लेने, तो मफहूम लेक्चर देना जो होता है ना वो लफ्ज देना से हम गिव ले लेते हैं, क्योंकि उर्दू में हमारे लिए सबसे पहला वर्ड देना के लिए गिव आता है, या हिंदी में देना है गिव, लेकिन जैसे ही वो इंग्लिश में लेक्चर देना की बात आती है तो वो गिव लेक्चर नहीं आता, वो डिलीवर लेक्चर आता है। That's really good, जी, मैं बाकी लोगों के responses भी देखता हूं। तो मेरी आवाज आप लोगों तक आ नहीं रही, he will be delivering lecture, माइक वैसे मैंने इजाजत दी हुई है, मैं एक बार दोबारा सेटिंग्स पे जाकर एक काम करता हूँ, अलाउ पार्टिसिपेंट्स कर देता हूँ, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप अपना माइक ऑन करके बात कर चुके हो तो आपने लाजमी तौर पर माइक दोबारा फौरन ऑफ कर लेना ताकि लेक्चर चलता रहे। ले जी, दैट्स वेरी गुड, ही विल बी डिलीवरिंग लेक्चर एट दिस टाइम टुमारो, गुड वेरी सर, एड्रेस भी आ सकता है, आ सकता है एड्रेसिंग लेक्चर, एड्रेसिंग लेक्चर नहीं, एड्रेस आप किसी शख्स को करते हो जो सुन रहा है, आई एम एड्रेसिंग टू यू पीपल, एड्रेस के आगे कोई ना कोई ऑडियंस होती है, लेक्चर एड्रेस नहीं होता, लेक्चर डिलीवर होता है और ऑडियंस को हो रहा है, एड्रेस खिताब को कहते हैं, आई विल एड्रेस यू पीपल, मैं आप लोगों से खिताब करूंगा, तो वो एड्रेस जो सामईन होते हैं द लिसनर्स उनके लिए होता है, जिसे लेक्चर को डिलीवर किया जाता है, लेक्चर से तो हम मुखातिब नहीं होते, आप जिससे मुखातिब आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। ले जी हमारा नेक्स्ट आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जी ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें परफेक्ट है तो कंप्लीशन का मीनिंग है, लेट अस स्टार्ट, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड टिल अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, ये ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज क्या नाम लेते हैं यूज किया जाता है, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए
जो फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम तक कंप्लीट हो चुका हो, डन हो चुका हो, जो कंप्लीट हो चुका होगा इन फ्यूचर टिल अ स्पेसिफिक टाइम, एक खास वक्त तक, लेकिन फ्यूचर के खास वक्त तक, मतलब अगले माह तक फ्यूचर परफेक्ट लगा दे, फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं लगाना, कंप्लीशन आ गया अगले माह तक, वो अगले माह सेल फोन खरीदेगा तो आप लगाए फ्यूचर इंडेफिनेट, वो अगले माह तक खरीद चुका होगा तो इट मींस ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपको टाइम बाउंड आ जाए फ्यूचर में, इस टाइम बाउंड्री तक काम मुकम्मल हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। उर्दू हिंदी पहचान देख लें जी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे सेंटेंस के एंड पर आ जाए, समझ लें फ्यूचर परफेक्ट, अलिफ होगा, छुट्टी होगी, बड़ी होगी, मतलब उसने मोबाइल ले लिया होगा, वो मोबाइल ले चुका होगा, चुका होगा, लिया होगा, दोनों में गौर करो, एंड पर जो अलिफ होगा की साउंड, आ होगा की साउंड जरूर आ रही। तो स्ट्रक्चर देखते हैं जी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव कैसे करना है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सारे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, तो विल शैल के बाद हमने नॉट लगा दिया। इंट्रोक्टिव कैसे करना है कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे आई विल हैव टॉट टेंसेस टिल टुमारो, विल आई हैव टेंसेस टिल टुमारो, विल आई हैव नॉट टेंसेस टॉट टेंसेस टिल टुमारो, मैं विल शैल बाहर निकाल सकता हूं। अब इसकी कीवर्ड्स पर आते हैं कि हमने यूज करना कब है, इसकी इस्तेमाल करना कब कब है। तो आपको अगर अप टिल के साथ फ्यूचर टाइम मिले, बाय के साथ फ्यूचर टाइम मिले, टिल के साथ फ्यूचर टाइम मिले, बाय नाउ मिले, टिल नाउ मिले, पॉजिटिव जुमले में टिल नाउ पॉजिटिव, तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। देखो अकेला फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, टुमारो आई विल गो देयर टुमारो, लेकिन बाय टुमारो आ जाए, टिल टुमारो आ जाए, अप टिल टुमारो आ जाए, मैं फ्यूचर परफेक्ट लगाऊ, मैं तब फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं लगा सकता। I will have taught the lecture by tomorrow, up till tomorrow, till tomorrow, कि कल तक मैं लेक्चर दे चुका होऊंगा। By now आ जाए, अच्छा by now, अब now अकेला present continuous में था, I am delivering a lecture at the moment, I am teaching English at the moment, now, I am teaching English now, just now present perfect में पढ़ा था, I have just taught you present perfect, future continuous, by now future perfect का है। He will have slept by now, will have slept, अब तक वो सो चुका होगा, और till now positive जुमले में सिर्फ, negative में हमने future पर present perfect में देखा था, तो ये future perfect में आ गया। तो नीचे examples देखिएगा, He will have reached there till tomorrow morning, देखो tomorrow morning तो था लेकिन साथ till लगा हुआ था, ठीक हो गया जी। तो सर फ्यूचर परफेक्ट में टाइम बाउंड्री होना जरूरी है, सर जी वुड का यूज कब कर सकते हैं, ले जी आप दोनों के आंसर अभी मिलते हैं। याद रखिएगा कि टाइम परफेक्ट होने का मीनिंग नहीं ना आएगा, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जब तक आप परफेक्ट होने का मीनिंग ही नहीं देंगे कि काम परफेक्ट हो गया, तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट मंथ आ गया, ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, ही विल गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, आप विल हैव गोन टू लाहौर नेक्स्ट मंथ नहीं लगा सकेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग, यू हैव टू यूज बाय नेक्स्ट मंथ, टिल नेक्स्ट मंथ, अप टिल नेक्स्ट मंथ, यू हैव टू यूज बाय टिल अप टिल विद दोस फ्यूचर टाइम्स। आई डू होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। असलम विल हैव मैरिड बाय कमिंग मंथ, अगले माह तक शादी कर चुका होगा। I will have it will have rained here up till next month, अगले माह तक बारिश हो चुकी होगी, will have rained here up till next month, अगले माह तक बारिश हो चुकी होगी इधर। By the end of this month, देखो इस माह के इख्तिताम तक, इस माह का इख्तिताम तो आना है अभी, जब भी किसी भी मंथ की बात करेंगे उसका इख्तिताम आना होता है, by the end of this month, अब किसी भी माह की बात कर ले, by के साथ future time आ गया, end तो आना है, इस मंथ का चूंकि एंड आना है तो future time है और by आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव रिटन माय बुक, विल राइट नहीं, इट वुड बी विल हैव रिटन माय बुक। आई डू होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ही डैश हिज वर्क बाय नाउ,
ही विल हैव डन हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही हैड डन, क्या लगाना चाहेंगे? फिर मैं ज्वेरी आपके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूं. यस इट इज अल्फा. तो वुड हैव, वुड कब यूज करना है विल शैल की जगह? याद रखिएगा, हमने चूंकि कुछ साइमल्टेनियस वर्ब की फॉर्म फिलिंग भी करनी है, अभी हमने मेन स्ट्रीम पकड़ी है. मेन स्ट्रीम की वर्ब की फॉर्म फिलिंग हम सीखी जा रही है. इसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें भी होंगी, जैसे अनरियल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सब्जंक्टिव मूड्स, वो बहुत सारी कुछ साइमल्टेनियस भी आएंगे, लेकिन वैसे राइटिंग के बाद लेकर आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आपको ना सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार टच करवा दूं, ताकि आप एक बार हर शय के लिए तैयार हो जाएं, देन इंशाल्लाह उड़ेंगे आप. आपको एक बार हर चीज से लिंक करवा दूं, फिर इनकी थोड़ी थोड़ी रिवीजन भी आगे चल के करेंगे, स्पेशली जब टेस्ट सेशन हमारा फोर्थ मंथ में चल रहा हो, मॉक टेस्टिंग चल रही होगी. ज्वेरिया एंड एवरीवन एल्स, विल को जब मर्जी वुड में कन्वर्ट कर दें, आज कल कोई इशू नहीं है. लेकिन जब आप ग्रामर की बात करेंगे, जब आप सेंटेंस करेक्शन की बात करेंगे, जब आप कभी बात करेंगे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब की, तो आपने एक ध्यान रखना है कि अब आपने विल शैल ही यूज करना है. वुड यूज करने का ग्रामेटिकल तरीका क्या है, कि अगर पीछे पास्ट हो तो विल शैल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा. ही सेड दैट ही विल कम The next day, नहीं, he would come the next day. आप लोगों ने अगर direct indirect पढ़े तो आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी कि पीछे चूंकि said आ गया, past आ गया, तो आगे will shall को would में convert कर देंगे. ये तो एक grammatical rule कि हम ये काम करते हैं जब पीछे past होगा. आजकल और सुनिएगा, जब politeness देनी हो तो will shall नहीं would use किया जाता है. किसी को कहना ना कि मुझे पानी का एक glass दो, तो ये नहीं कहना विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने कहना वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी का एक ग्लास ला के दोगे? वुड यू रिक्वेस्ट है ना, पोलाइटनेस. तो पोलाइटनेस दिखानी है वुड आता होता है, रिक्वेस्ट करनी है वुड आता है जी. वुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी नहीं, वुड यू हेल्प मी रिक्वेस्ट है. हाँ सवाल पूछना हो कह दो विल यू हेल्प मी, लेकिन जब मैं वुड यू हेल्प मी कहता हूं तो मैं असल में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा. और सुनिएगा मजे की चीज, आजकल विल शैल की जगह पर वुड का इस्तेमाल अंधाधुंध किया जा रहा है. शैल तो खत्म हो ही गया है, वुड भी खत्म हो गया. आज सिंपल कहते हैं आई वुड गो देयर टुमारो. आपको ऑथर्स की, मेन स्ट्रीम ऑथर्स की बुक्स मिलेंगी, वुड लिखा नजर आएगा, विल शैल होगा ही. ठीक है जी, आई वुड गो टू जापान द नेक्स्ट मंथ, आई वुड गो, नॉट के विल गो. शैल गो तो वैसे ही फिनिश हो चुका है तकरीबन. तो दैट इज द थिंग अबाउट वुड, के वुड असल में अब जो है स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा बन रहा है, या रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस में. हाँ वैसे पीछे पास हो तो विल शैल की जगह वुड ही यूज करना चाहिए. ओके ज्वेरी, आई डू होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई. नेक्स्ट यहाँ फिल करके दिखाएं जी. आई डैश दिस अप टिल नेक्स्ट मंडे. अब नेक्स्ट मंडे के साथ अप टिल लगा आ गया है, हमें पता है फ्यूचर परफेक्ट ही यूज होना है, और वी वुड पुट विल हैव फिनिश्ड दिस अप टिल नेक्स्ट मंडे, कि अगले मंडे तक मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूंगा. ले जी माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का वर्क भी हम चुके साथ साथ कर रहे हैं, और फिलहाल एक एक प्रैक्टिस कर रहे हैं. कल हमने ढेरों प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन की. मैंने आपसे कल सीएसएस के कुछ पास पेपर्स के भी पैराग्राफ करवाने हैं. कल मजे का दिन होगा, कुछ सीएसएस के पास पेपर्स के पैराग्राफ भी करवाऊंगा, कि ये भी करके देखते हैं कि हम इस काबिल हुए हैं कि नहीं. हाँ कुछ बातें होंगी, क्योंकि जाहिर है हमने पूरी ग्रामर तो नहीं कर ली, लेकिन आप देखेंगे कि आप बेसिकली कोई 80% ट्रांसलेशन कर रहे होंगे. 20% अभी हमारी ग्रामर पढ़ी है, बल्कि ग्रामर ज्यादा पढ़ी है. मैं पैराग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, कि ट्रांसलेशन का हम 80% वर्क अपना कर चुके होंगे टेंसेस के बाद. पाकिस्तान 2021 तक सीपैक बना चुका होगा. अब देखो 2021 तक तो बाउंड्री आ गई है टाइम की, टाइम बाउंड्री आ गई है, तो मैं फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं यूज, आई हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट. गौर करें, वो जो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो फंक्शंस हमें यहां भी मिल रहे हैं जी. करें ट्रांसलेट जी, माइक ऑन करके या राइट करके. शाबाश, लेट मी बी इन फ्रंट ऑफ यू.
अब मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं कि पाकिस्तान विल कंप्लीट सी पैक. इमरान साहब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इशू कर गए आप क्योंकि शायद आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हुई या लेट कर रहे हैं. नुमान भट्ट साहब आपने जो किया है, यू आर माय नेम फेलो, पाकिस्तान विल हैव कंप्लीटेड सी पैक टिल 2020, बिल्कुल ठीक है. मोस्ट ऑलमोस्ट सब बच्चों ने बना, स्टूडेंट्स ने बना दिया है, तो पाकिस्तान विल हैव मेड नहीं लगाना रुबाब, थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ. बाकी ठीक है, आपकी स्ट्रक्चर ठीक है. विल हैव कम्प्लीटली नहीं, विल हैव कम्प्लीटेड एज एन थर्ड फॉर्म आती है फ्यूचर परफेक्ट में. याद रखिएगा सारे परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल पर लगानी है. पाकिस्तान विल कम्प्लीट, इमरान साहब नहीं, फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं लगाना था, विल हैव कम्प्लीटेड या कंस्ट्रक्टेड चाहिए था. मैं जो ट्रांसलेशन की आप सब तक पहुंचा रहा हूं वो भी देख लें, आप सब तक नजर आना शुरू हो गया आपको. पाकिस्तान विल हैव जो है मे बी बिल्ड. अच्छा जी, देखिए पाकिस्तान विल हैव कंप्लीटेड या कंस्ट्रक्टेड लगाए. देखो सी पैक एक रोड है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. कॉरिडोर होता है जो एक राहदारी होती है जो दो मुल्कों को किसी ना किसी काम पर आने जाने के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है. आप कॉरिडोर जो है वो किसी की जमीनों के अंदर से बना लें अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, अपनी कम्यूट करने को, वो भी एक कॉरिडोर बन जाएगा. चाइना पाकिस्तान के अंदर से एक कॉरिडोर बना रहा है अपनी जो है तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए. अच्छा अब आते हैं विल कंप्लीट क्यों नहीं. भी विल कंप्लीट इमरान साहब इसलिए नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगाना, फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं लगाना. हम कह रहे हैं 2021 तक इसका मतलब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और चूंकि कंप्लीशन का मीनिंग आ गया है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट के अलावा कहीं नहीं जाना. दूसरी चीज मेड क्यों नहीं, मेक और तरह का प्रोसेस है. कंस्ट्रक्ट यहाँ कंप्लीट कर ले, बना चुका का मतलब कंप्लीट, लफ्ज़ उर्दू में बनाना ही लिखा है कि आप मेक बनाएं, लेकिन मेक थिंग्स होती हैं जो प्रोडक्ट होती है. जैसे सेल फोन मेड होता है जी, ये शर्ट मेड हुई है, आप मेड इन चाइना लिख लें मेड तो. लेकिन जो रोड्स वगैरह होती हैं वो कंस्ट्रक्ट होती है, तो आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपनी वोकैबुलरी चेंज करनी पड़ती है. तो सेंटेंस इंग्लिश की वोकैबुलरी हमें अपनी उसी तरह से रखनी है. अच्छा दूसरी चीज पर आते हैं कि हमारे पास जो है एक स्टूडेंट ने लगा दिया या दो ने लगाया सिंस 2020. जवेरी एंड अदर स्टूडेंट्स, ये सिंस 2020 क्यों नहीं आया. देखो सिंस हम लगाते उस वक्त से जो काम हो, सिंस आता ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में, और एक टेंस और है जिसमें सिंस फॉर आ सकता है, बताइए कौन सा टेंस है. मैंने कल बात की थी, यप, कौन से चार टेंसेस हैं जिनमें सिंस फॉर के साथ टाइम आ सकता है. तीन तो हो गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, एक और है जी, एक और है. याद है तो बोलिए अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए, माइक ऑन करते हुए, जल्दी शाबाश. मैं आप लोगों के माइक ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं. जवेरिया अहमद, जवेरिया बाबर, दो दो जवेरिया आई हुई हैं आज. जी जी बोले यस रुबाब रियली गुड एंड जवेरिया अहमद रियली गुड. प्रेजेंट परफेक्ट एक एक्स्ट्रा है जी, जब सिंस फार के साथ टाइम हो. तो जिन बच्चों ने सिंस के इस जुमले में सिंस लगा दिया है, तो सिंस वाले जुमलों में फ्यूचर परफेक्ट नहीं आ सकता. देयर वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट और थ्री परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट नहीं आ सकता, ये याद रखिए. आई थिंक मोहम्मद इमरान ने हैंड रेज किया है. जी इमरान आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इमरान आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, यू रेज योर हैंड. ओके इफ यू हैव नथिंग टू से हम आगे बढ़ते हैं जी. हम अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक नजर मार लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, कल इस पर बात हुई भी थी कि दिस टेंस इज यूज फॉर द स्टेट्स और एक्शंस विच विल बी कॉन्टिन्यूइंग इन फ्यूचर टिल अ स्पेसिफिक टाइम. ये उन टेंसेस के लिए होगा जो फ्यूचर में एक खास वक्त तक जारी रहकर खत्म होंगे. देखो परफेक्ट भी हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस भी रहेंगे, दैट इज व्हाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस.
वक्त से रहा होगा लेकिन वो वक्त फ्यूचर का होगा, ठीक है जी। तो वो काम जो इस वक्त जारी हैं और फ्यूचर के किसी खास टाइम तक जारी रहकर परफेक्ट हो जाएंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। आइए जरा जुमलों को देखेंगे, आपको समझ आएगी मेरी फंक्शन के लिखेगी। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखो विल शैल हैव बीन भी लगाया मैंने, मैं पेन सिलेक्ट कर लूं जी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने विल शैल हैव बीन भी लगाया कि विल शैल के बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दी। आई विल हैव बीन, विल शैल हैव के बाद मैंने बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी। साथ आगे मैंने आई एन जी फॉर्म भी लगा दी है जी, ये देखिए। तो बीन तो थर्ड फॉर्म थी, बी की थर्ड फॉर्म हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं किया तो दोनों लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, सारे प्रेजेंट टेंसेस वाला भी और पास्ट टेंसेस वाला भी, कि विल शैल के बाद हैव आके थर्ड फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, सारे परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म। और आई एन जी फॉर्म कॉन्टिन्यूस की होती है, नेगेटिव किया तो विल शैल के बाद नॉट लगा दिया, विल शैल के बाद नॉट लगाया है, किसी हैव या बीन के बाद नॉट नहीं लगाया। तीन तीन हेल्पिंग वर्ब थे जी हमारे पास, तो बीन भी था, हैव भी था, विल शैल भी था, हमने पहले के बाद नॉट लगाना होता है और बाकी जुमला वैसे ही रहा। और इंटरोगेटिव भी करना है तो सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा, सिर्फ विल शैल बाहर आएगा, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। देखो एग्जाम्पल देखता हूं, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। नेगेटिव होगा तो ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। और इंटरोगेटिव मींस वाली होगा जिसको अक्सर लोग इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, इट्स इंटरोगेटिव। तो विल वुड बी इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, विल ही हैव बीन। तो विल ही हैव बीन लगाते ही वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट उसे को इंटरोगेटिव बनाना है। दूसरी चीज जो आपने देख ली है कि इन में भी सिंस फॉर के बाद टाइम आ रहा है, टी मीन्स टाइम, एस एफ मीन्स सिंस फॉर। तो अगर आपको इंग्लिश में किसी जुमले के एंड पर सिंस फॉर के बाद टाइम लिखा नजर आए, समझ जाए कोई ना कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर वो टाइम फ्यूचर का हुआ सोचें आप, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो होते हैं जो माजी से शुरू अभी भी जा रही है, वो तो हम फ्यूचर की बात पर लग गए, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स कहने लगा जी, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता सिंस फॉर के साथ टाइम हो, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो वो टाइम वो होना था जो माजी में काम जारी रहा और खत्म हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो फ्यूचर के किसी खास वक्त तक जारी रहकर वहां खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। आइए देखते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया था, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया था फॉर द कमिंग मंथ, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, लॉ जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना है, कोई ना कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना है, डन हो गया, ओके लॉ किया जी। लेकिन 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 हुआ क्या हमारे साथ कि हमें जो लगाना पड़ गया बच्चा पार्टी, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा हम कहीं और चीज लगा नहीं पाए। उसकी वजह क्या आई जी, क्योंकि जो टाइम था वो कमिंग लिखा था, फॉर द कमिंग मंथ। मैं इसको नीचे ले जाता हूं, क्योंकि साथ लिखा हुआ था फॉर द कमिंग मंथ, आने वाले माह तक, इसका मतलब ये काम जारी है और अगले माह तक जारी रहेगा। यही डेफिनेशन थी कि वो एक्शंस जो फ्यूचर के किसी खास टाइम तक जारी रहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। अगर उनपे जारी का मफहूम ना आए, सिर्फ इतना आ जाए कि फ्यूचर के उस वक्त तक खत्म होने, कंप्लीट होने, तो फ्यूचर परफेक्ट, जारी रहकर खत्म होने तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए तो ये तो पता है कि आना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही है, और चूंकि कमिंग आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट निकल गया। ही विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, फॉर आ गया जी, फॉर के साथ हमारा फ्यूचर टाइम आ गया नेक्स्ट 2 मंथ्स। सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सो सिंपल इज द फॉर्मूला। तो ही विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, हम ही हैज बीन, हैड बीन नहीं लगा पाए, विल हैव बीन के साथ ही। आई डू होप आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो आपने फॉरन क्वेश्चन पूछना है जी,
यहां लगा के दिखाएं जी आप क्या लगा रहे हैं, जल्दी से चार्ज इस जुमले में। ज्वेरिय में आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, बाकी लोग जरा जल्दी से आंसर करें। ए ए ए ए ए की जवाब आ रहा है। अच्छा तो बच्चा पार्टी, असल में जो आप इतने ए लगा रहे ये आपका करेक्ट, लेकिन मुझे कोई वजह बताएगा ए आने की? क्या इधर तो लगा हुआ था अप टिल नेक्स्ट मंथ, अप टिल नेक्स्ट मंथ आ गया तो यहां तो फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए था। सर जी एवरीडे भी तो है, अभी से हो रही है और नेक्स्ट मंथ तक भी होगी, अभी स्टार्ट हुई है और नेक्स्ट मंथ तक भी रहेगी। कौन बात कर रहा है, ज्वेरिया बात कर रही है आई थिंक, ज्वेरिया बाबर जी। रियली गुड, आई रियली अप्लॉज। थैंक यू सर। देखिए अप टिल नेक्स्ट मंथ ने तो ये बताया कि फ्यूचर परफेक्ट आना है, कि नेक्स्ट मंथ तक जाके वो कंप्लीट हो जाएगा अप टिल नेक्स्ट। एवरीडे भी तो लगा हुआ है, यू रियली डिड गुड कि आपने अप टिल को पकड़ा जाके। एवरीडे बता रहा है कि अगले माह तक रोजाना होगा, क्या बात, अगले माह तक हो चुका होगा और एवरीडे रोजाना होगा, तो काम फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगा और एवरीडे का मतलब कंटिन्यू रहकर होगा, जारी रहकर होगा, तो जुमले में कॉन्टिन्यूटी भी आ गई और फ्यूचर की परफेक्शन भी आ गई, तो कॉन्टिन्यूस प्लस परफेक्शन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये रीजन बनी। वरना मैं एवरीडे को देखता तो मैं रेंज लगाता, मैं इसको देखता कि ये लगा दो, ठीक है जी, मैं अप टिल नेक्स्ट मंथ को देखता तो विल हैव रेंज का सोचता होगा, विल हैव रेंज दिया तो नहीं, ऑप्शन पर देना चाहिए था मुझे, आपको और कंफ्यूज करता कि विल हैव रेंज आना, लेकिन एवरीडे ने कहानी पलट दी, उसने कहा जी काम कॉन्टिन्यू। जी ज्वेरिया आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, आपने कहा कि जो फर्स्ट सेंटेंस नजर आ रहा है इधर पिछली स्लाइड को दोबारा लेकर आए हो जी, इसमें सर हम किस टेंस को प्रेफर करेंगे? फॉर 10 इयर्स आ गया है, ही हैज बीन लिविंग हियर, लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 इयर्स, ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 इयर्स, या ही विल हैव बीन लिविंग, या ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 इयर्स, चारों टेंस आपने कहा था सर, सिंस फॉर के साथ टाइम हो तो चार टेंस, यहां चारों करेक्ट है, इक्वली करेक्ट, यहां बताया नहीं वो 10 इयर्स प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, वी डोंट नो दैट, एंड इफ वी डोंट नो दैट वी कैन पुट एनीथिंग हियर, एंड एग्जामिनर इफ ही वुड बी गिविंग दैट सेंटेंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप एज करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ही वुड बी गिविंग ओनली वन ऑप्शन टू यू पीपल फ्रॉम दीज फोर ऑप्शंस, यस इफ ही इज हाईलाइटिंग समथिंग, इफ ही इज डिनोटिंग समथिंग दैट दीज 10 इयर्स आर ऑफ प्रेजेंट, we have to put has been living. If he is denoting or hinting that these 10 years are from past, we would be putting had been living. And if these 10 years for 10 years are basically for future, for coming 10 years likh deta hun, that would be had will have been living. Idhar main past 10 years likhta, for past 10 years had been living. For these 10 years, for recent 10 years, has been living. But there is no hint of time. We may use any one of these. I do hope you have got my point. Examiner hint de to aapne kisi specific ko jana hai, varna nahi jana. Jaise aakhir do mein hint de diya tha, coming or next comic specific par chalega. Len ji, translation bhi karwa lete hain ji aap logon se. तो मैं अगले साल तक इस मंसूबे पर काम करता रहूंगा, करें जी, यू मे टर्न ऑन योर स्पीकर्स जी, इवन यू मे टर्न ऑन योर स्पीकर्स, आप लोग क्या स्पीकर ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, जरा मुझे वैसे बता दें, although मैंने सेटिंग पे तो परमिशन दी हुई है, अब ये मसले होते हैं स्पीकर ऑन करने के, लोग आपस में बातें कर रहे हो,
आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल जी, लेकिन आपको इजाजत जरूर है कि अगर आप म्यूट करना चाहिए अनम्यूट करना चाहिए जी बोले जी, या लिख के सेंड कर दें, आना शुरू हो गए जी रिस्पॉन्स काफी सारे। आई विल हैव बीन, देखो आई के साथ शेल लगाएं विल लगाएं कोई इशू नहीं, अब आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ठीक है टिल नेक्स्ट मंथ। That's good, really. चल, तो हमारा जो आंसर बना दैट इज आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और अगले साल तक, तो अप टिल नेक्स्ट ईयर आपने लगा दिया ठीक है, लेकिन यहां आप अप टिल नेक्स्ट मंथ को नहीं लगा पाएंगे सिंस नेक्स्ट ईयर ठीक है। अब यहां ना ये जुमला काफी ट्रिकी आपके सामने था, ये जुमला ट्रिकी कैसे बना, ट्रिकी ऐसे बना कि मैं अगले साल से इस मंसूबे पर काम कर रहा हूंगा, मतलब ये मंसूबा अगले साल से शुरू होगा ठीक है, तो मैं लगा भी देता सिंस कि अगले साल से आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस नेक्स्ट ईयर। रुस्तम आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ट्रिकी कैसे था कि इस जुमले में सिंस फार का इस्तेमाल नहीं आ रहा था, कोई इस्तेमाल नहीं आ रहा था सिंस फार का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक हमारा स्पेसिफिक टाइम है लगाना, तो सिंस है फार तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, और सिंस में अगर लगाता तो जुमले का मतलब और है। I will have been working on this project since next year का translation है रुस्तम कि अगले साल से, since से का meaning जी सर, तो जैसे जनवरी से तो since जनवरी मैं नहीं लगा पा रहा since, मुझे लगाना up till next month ही और लगाना भी future continuous है। इस जुमले में आप वही काम करेंगे जो मैंने आपसे पिछले जुमले में करवाया कि up till next month भी लगवाया और future continuous भी लगवाया, क्यों, क्योंकि उर्दू में वाजे तौर पर आपको लिखा नजर आ गया है कि इस मंसूबे पर काम करता रहूंगा अगले साल तक, तो अगले साल तक का मतलब काम कंप्लीशन है, मुझे अप टिल देना पड़ रहा है, और जुमले में चूंकि कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है तो मुझे वो अकेला परफेक्ट नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देना पड़ेगा। तो जहांगीर ने ठीक किया, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट अप टिल नेक्स्ट मंथ, आई शेल हैव बीन वर्किंग भी ठीक किया जी, इमरान साहब ने भी, एहसन ने भी, एंड एवरीवन एल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, उन सब का बिल्कुल करेक्ट है। तो जी हमारे टेंसेस तो हुए एंड हम जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जल्दी से। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम अगर लैंड करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोले जी आप क्या लगाना चाहेंगे जी स्टूडेंट्स, जी प्रैक्टिस है सारे टेंसेस के, हमारे टेंसेस खत्म हो गए, उनके एक्टिवेस खत्म हो गए, बस ये करते हैं और आज के लेक्चर एंड करते हैं, कल और तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। विल आई डैश, व्हाइल आई डैश द लाइट वेंट ऑफ, जी डी डी डी, यस इट्स डी जी, व्हाइल आई वाज स्टडिंग, व्हाइल के साथ तो आनी कॉन्टिन्यूटी है कि जब मैं पढ़ रहा था, द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई, आप वाइल के साथ कुछ और लगाना भी पास्ट ही था, प्रेजेंट तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि लाइट वेंट ऑफ का मतलब बिजली चली गई, लाइट चली गई तो इसका मतलब काम जो है वो पास्ट का हुआ, हैड स्टडीड लगा नहीं सकते क्योंकि वाइल तो देते हैं कंटिन्यूटी को, कंप्लीशन तो हुई नहीं जी। अब लगा के दिखाएं, बिफोर आई डैश द ग्राउंड द मैच हैड स्टार्टेड, डी 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 अगेन, बिफोर आई रीच द हाउस अच्छा रीच डी आना है जी, योर आंसर इज करेक्ट, मेरे घर पहुंचने से पहले मैच खत्म हो, मैच शुरू हो चुका था, दो काम हुए माजी के, एक मैच शुरू हो चुका था
और एक मैं घर आया, दोनों में जो काम पहले हुआ माजी के दो काम में वो पास परफेक्ट हो गया, तो वो तो पास परफेक्ट लगा हुआ था, मैच हैड स्टार्ट, और माजी के दो कामों में जो काम बाद में हुआ दूसरे नंबर पर हुआ वो पास इंडेफिनिट हो गया। तो मेरे घर पहुंचने से पहले घर में बाद में पहुंचा, एक्शन टू है, मैच पहले स्टार्ट हुआ है, एक्शन वन है, एक्शन वन पास परफेक्ट, एक्शन टू पास इंडेफिनिट। सवाल पूछा गया है मुझे कि अप टिल और टिल में फर्क क्या है। अप टिल और टिल में रुबाब आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दी हुई है, आप अगर होना चाहते तो कर लें अपने आप को अनम्यूट। अप टिल और टिल का फर्क बहुत कम है, अप टिल नेक्स्ट मंथ और टिल नेक्स्ट मंथ। अप टिल नेक्स्ट मंथ का मतलब है कि उस नेक्स्ट मंथ का एंड हो गई होगा, अप हो जाएगा, अप मींस कंप्लीट हो जाएगा उस मंथ के कंप्लीशन तक, एंड तक। टिल का मतलब है कि उस मंथ तक, उससे पहले भी हो सकता है लेकिन उस तक जरूर होगा, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। तो अप मींस फिनिश, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, इसलिए हम अक्सर दोनों लगा लेते हैं। After the sun dash a cool breeze started to blow. जी जी स्टूडेंट्स, यू मे टर्न ऑन योर माइक्स, यू आर अलाउड। जी जी बोलिए, आवाज नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। लगता है मुझे ना आज आवाज पहुंच नहीं रही, इट्स सम सेटिंग इश्यू परहैप्स। मैं काम करता हूँ, मैं अपना जो है इंटरनल ऑडियो आउटपुट चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग की आवाज मुझ तक पहुंच सके, कोई बात कर रहा है। शायद आज मेरी हैंड फ्री प्रॉपर आवाज, मुझे लगा कोई बात कर रहा है लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं। यस जी, आप कोई बात करना चाहे तो मैंने अपने स्पीकर ऑन कर लिए लैपटॉप को, हैंड फ्री के बजाय वी करेक्ट कर रही है। After the sun had set, had set, had set, and yes, it is right. The answer is had set. देखो दो काम हुए माजी के, एक सूरज तलू हुआ, ग्रुप हुआ, और ठंडी हवा चलना शुरू होगी, cool breeze started to blow. तो दोनों में पहले क्या हुआ, पहले सूरज ग्रुप हुआ, जुमला कह रहा है after the sun had set, सूरज के, ठीक है जी, sun के set होने के बाद, खत्म या ग्रुप होने के बाद ठंडी हवा चलने शुरू हुई। नेक्स्ट मूव करते हैं, ही डैश व्हेन आई सॉ हिम, जी सी 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 बी लगा रहे हैं जी कुछ रुबाब, इट्स सी इज बेटर, स्लेप्ट नहीं। जब मैंने उसे देखा वो सो रहा था, देखो जब मैंने देखा, दूसरा काम जारी था वो सो रहा था, ये नहीं जब मैंने देखा वो सो गया। सोना कोई इतना तेज प्रोसेस नहीं है कि मैंने ये देखा है और वो सो गया, ये कोई जादू तो हो सकता है कि मेरी देखने में, मेरी आंखों में, मेरी झील सी गहरी आंखों में कि इतना जादू हो तभी मुमकिन है कि मैं देखूं और अगला सो जाए, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। सुजान आप कुछ कहना चाह रहे हैं, यू टर्न ऑन योर माइक। नो सर। सुजान डू यू वांट टू से समथिंग, कैसे हो गया जो स्लीपिंग, आवाज आज आप नहीं आई, चले क्या आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये लगाएंगे पाकिस्तान डैश हर नेक्स्ट मैच, कंट्रीज के साथ शी आता है, कंट्रीज शी लेती है। पाकिस्तान डैश हर नेक्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्लेज हैड प्लेड, विल प्ले, हैज प्लेड, विल प्ले, जी
सी विल प्ले यस फ्यूचर आना जा रहा विल प्ले नेक्स्ट आ जाते ही डैश हियर यस्टरडे Came here, sir. Came. Yes, it's came. Yesterday आ गया. Yesterday आ गया. Past indefinite. कोई past perfect. Past indefinite. Second form of the verb.